तो दोस्तों वीवो S1 इंडोनेशिया में लॉन्च हो चुका है और दोस्तों बहुत ही जल्द ये स्मार्टफोन इंडिया में आने वाला है। और दोस्तों इस स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग होने वाला है वो 14,000 से 15,000 रुपीस के बीच में होने वाला है। और दोस्तों 14,000 से 15,000 रुपीस के बीच में आपको देखने को मिलने वाला है 6.3 इंच की एक AMOLED स्क्रीन, साथ ही में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और ट्रिपल रियर कैमरा का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि स्मार्टफोन इंडिया में कब तक लॉन्च होगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन के डिजाइन और डिस्प्ले से। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है 6.3 इंच का एक फुल HD प्लस का स्क्रीन, जो कि होने वाला है एक AMOLED स्क्रीन। और दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। बात करें दोस्तों इस स्मार्टफोन के कैमरे की, तो दोस्तों फ्रंट साइड में आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलने वाला है, जो कि 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरे के साथ आने वाला है। और उसके साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको बैक साइड में देखने को मिलने वाला है ग्लोसी ग्रेडिएंट फिनिश, जो कि बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और दोस्तों वीवो S1 में आपको बहुत ही अलग और यूनिक डिजाइन देखने को मिलने वाला है इस बार। बात करें दोस्तों इस स्मार्टफोन की कैमरे की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के रियर साइड में आपको ट्रिपल रियर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जिसका प्राइमरी कैमरा होने वाला है 16 मेगापिक्सल का। और आपको यहाँ पर एक सेकेंडरी 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस देखने को मिलने वाला है। और साथ ही में दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर भी देखने को मिलने वाला है। बात करें दोस्तों इस स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है मीडियाटेक P65 का प्रोसेसर। और दोस्तों ये प्रोसेसर जो होने वाला है वो मीडियाटेक के Helio P70 से 20% ज्यादा फास्ट होने वाला है। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस भी काफी बेहतरीन होने वाला है। अगर बात करें दोस्तों इस स्मार्टफोन की ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है एंड्रॉइड पाई का सपोर्ट, जो कि वीवो के फ्रंट टच OS के साथ आने वाला है। और साथ ही में दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन की बैटरी की, दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है 4500 mAh की बैटरी, जो कि 18 वाट के फास्ट चार्ज को सपोर्ट करने वाला है। और आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलने वाला है इसका चार्जिंग स्पीड। अब बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन की रैम वेरियंट की, तो इस स्मार्टफोन में आपको एक ही रैम वेरियंट देखने को मिलने वाला है, जो कि होने वाला है 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। दोस्तों बात करते हैं फाइनली इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो इस स्मार्टफोन को इंडोनेशिया में लॉन्च किया गया है इंडियन रुपीस के हिसाब से 17,800 रुपए के करीबन। बट दोस्तों इस स्मार्टफोन को जब इंडिया में लॉन्च किया जाएगा तो इसकी प्राइसिंग जो होने वाला है वो होने वाला है 14,000 से 15,000 रुपीस के बीच में। और आपको 14,000 से 15,000 रुपीस के बीच में देखने को मिलने वाला है 6.3 इंच का एक AMOLED डिस्प्ले, जो कि आने वाला है एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। और साथ ही में दोस्तों इस स्मार्टफोन के फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलने वाला है। और बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। साथ ही में दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको एक बहुत ही बेहतरीन 4500 mAh की बैटरी भी देखने को मिल जाती है, जो कि फास्ट चार्ज को सपोर्ट करती है। और फास्ट चार्जर भी आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों 14,000 से 15,000 रुपीस के बीच में ये बहुत ही अच्छा पैकेजेस के साथ आता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस स्मार्टफोन के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर लगता है आपको इस स्मार्टफोन के बारे में कि ये स्मार्टफोन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक भी कर दे और कमेंट करके हमें बता दे इस स्मार्टफोन के बारे में, अगर आप इस स्मार्टफोन को लेने का सोच रहे हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा दे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे। I should fuck her in the Benz.